हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं जो दक्षता उन्नयन के तहत है और ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और इसमें जो हम आओ करें और सीखें की गतिविधियों को कर रहे हैं। हम इस वीडियो में आपके लिए 45 नंबर गतिविधि लेके आए हैं और ये गतिविधि जो है आपकी गुणा से संबंधित गतिविधि है। इसमें हम गुणा के प्रश्नों को हल करेंगे और ये जो आओ करें और सीखे 45 गतिविधि है ये स्तर 3 से 5 के बच्चे यानी अंकुर समूह के बच्चों के लिए है। चलिए देखते हैं, हम आओ करें सीखे 45। इसमें गतिविधि का नाम है नमूना नोटों का खेल और उसकी उपावधारणा है दैनिक जीवन में गुणा, यानी दैनिक जीवन में गुणा कैसे करना है वह चीज़ आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे। तो इसमें जो चीज़ है आपको गुणा कैसे करना है वह बताया जाएगा। तो देखिए कुछ गुणा के प्रश्न हैं, उन्हें हल करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। क्या है प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए? इसमें दिया है 123 गुणित 3। 123 में 3 का गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले आपको बता दें कि आपको पहाड़े याद होना चाहिए। पहाड़े जब तक नहीं बनेंगे आप गुणा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दिया है आपको 123 में क्या दिया है, 123 में किसका गुणा करने का है, 3 का। और गुणा किधर से करते हैं, इकाई के अंक से। तो गुणा करते हैं, देखते हैं ये जो जिसका गुणा करना है किसमें, पहले इकाई का अंक क्या है, 3। तो हम 3 का गुणा 3 में करेंगे। तो हम 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार। 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 का 9, कितना आ गया 9। तो 9 कहाँ लिख देंगे, उसी के नीचे ये 9 आ गया। फिर इस 3 का फिर पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। फिर 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 369। 123 का जब हम किसमें गुणा करेंगे, 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 369 आ गया। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न गुणा हुआ। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4 का गुणा शून्य में कीजिए, 4 0 9 0, क्या 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार। तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार, 4 चौके 16, कितना आ गया, 4 चौके 16 की 6। और ये हासलाई का 1 आ जाएगा, आप या तो अपने दिमाग में रख लीजिए या एक साइड लिख के रख लीजिए। हसलाई का ये 1 आ गया, तो हमने यहाँ लिख के बता दिए। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और जो हसलाई का 1 था उसको जोड़ दो 8 में, 8 में 1 जोड़े कितना हो गया, 9। तो इस प्रकार 4 का गुणा 240 से किए तो कितना आ गया, 960। फिर 302 में 2 का गुणा किए, 2 दूनी 4, 2 0 9 0, 2 3 6। तो इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला प्रश्न, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 4 का पहाड़ा हमको 2-2 बार पढ़ना है। तो इस प्रश्न में क्या था, 222 का गुणा 4 से करना था, कितना आ गया, 888। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 111 में 7 का गुणा कीजिए। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 किए। तो गुणा किधर से करना है आपको, इकाई से। तो ये 7 का गुणा 1 में की, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। इसके बाद देखिए वाला प्रश्न, 3 दूनी 342 में 3 का गुणा करना है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 की 2 हासिल का 1, 1 यहाँ लिख दिए, 3 का 9 और 1 10। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 1026। 342 में 3 का गुणा किए तो कितना आ गया, 1026। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए कितना है, ये 146 है। 146 में किसका गुणा करना है, 4 का। गुणा किधर से करते हैं, इकाई के अंक से। इकाई के अंक क्या है, 6। तो 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे हम, 6 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 24 की 4 हासिल की 2, यहाँ पे लिख दिए 2 लिख दिए। फिर 4 का पहाड़ 4 बार पढ़े, 4 चौके 16 और हसलाई का 2 था,
17, 18, ये 18 की 8, फिर हासिल का 1, फिर 4 का पारा, एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4 और 1 5। तो इस प्रकार 146 में 4 का गुणा किए तो 584, ये वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार इन प्रश्नों को भी आप कर सकते हो, 63, 18 की 8, हासिल का 1, 6, 7, 42 और 43 की 3, हासिल का 4, यहाँ दिमाग में रख ली 4 को, 6 एकम 6 और 4 10। तो 173 में 6 का गुणा किए तो कितना आ गया, 1038। फिर 7 का अगला प्रश्न ये वाला देखिए, 147 में 7 का गुणा करने को कहा, 7 सतैया 49 की 9, हासिल की 4, 7 चौके 28 और मैं 28 में जो हासिल का 4 था उसको जोड़ दो, 29, 30, 31, 32, 4 उन्नीस कितना 32 की 2, हासिल की 3, 7 एकम 7 और 3 कितना हो गया 8, 9, 10। तो 147 में 7 का गुणा किए तो 1029 आएगा। फिर 200 में 5 का गुणा करेंगे, 5 का शून्य में गुणा किए शून्य, 5 का शून्य में गुणा किए शून्य, 5 दूनी 10, सॉरी ये 10 लिख दिए, तो कितना बन गया 1000। फिर 7 का गुणा किए 7, 8, 56 की 6, हासिल की 5, हमने 5 को अपने दिमाग में रख लेंगे। फिर 7 का 2 में गुणा किए 7, 2, 14 और 5, 19 की 9, हासिल के 1, 7 एकम 7 और 1, 8। इसी प्रकार 129 में 5 का गुणा किए तो 545। तो इस प्रकार से एक गुणा के कुछ सवाल थे कि 3 अंकों की संख्या से 1 अंक की संख्या का गुणा कैसे करते हैं, आपको हमने यहाँ बताया। इसी प्रकार 2 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या से गुणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, आरिफ ने 125 नींबू खरीदे, यदि उसने एक नींबू की कीमत 2 रुपये दी हो तो बताइए उसने कुल कितने रुपये के नींबू खरीदे। तो प्रश्न में क्या बोला यहाँ पे, आरिफ ने 125 नींबू खरीदे, एक नींबू की कीमत कितनी है 2 रुपये, तो बताइए कि उसने कुल कितने रुपए के नींबू खरीदे। हमें मालूम है कि एक नींबू की कीमत कितनी है 2 रुपये, चूँकि एक नींबू की कीमत 2 रुपये है इसलिए 125 नींबू कीमत, तो क्या करेंगे 125 में 2 का गुणा कर देंगे। तो 125 में 2 का गुणा किए, 2 पंच 10 की सुन, हासिल का 1, 2 दून 4 और 1 5, 2 एकम 2, यानी 250 रुपये। तो हम बता देंगे उसने कुल 250 रुपये के नींबू खरीदे। इसी प्रकार इसी का थर्ड नंबर प्रश्न देखिए, सहिता के पास 5 टोकरी आम से भरी हुई हैं, यदि प्रत्येक टोकरी में 135 आम हो तो बताइए कि उसके पास कुल कितने आम हैं। पर यहाँ पे क्या सहिता नाम की लड़की, उसके पास 5 टोकरी हैं, कितनी टोकरी हैं 5 टोकरी हैं और प्रत्येक टोकरी में 135 आम, प्रत्येक टोकरी में कितने आम है ध्यान रखेंगे, प्रत्येक कह रहा है, जो प्रत्येक टोकरी 5 टोकरी उनमें कितने आम है 135 आम है, तो बताइए उसके पास कुल कितने आम हैं। तो एक टोकरी में कितने आम हैं, एक टोकरी में 135 आम है, तो कितनी टोकरी की बात कर रहा है 5 टोकरी की, तो 5 टोकरी में क्या हो जाएगा तो 135 गुणे 5। अब 5 गुणा 135 में किए हमने, 5 में 25 की 5, हासिल की 2, 5 यहाँ लिख लिए, हासिलाई की दिमाग में रख लिए, 5 या 15, 15 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 17, 17 की 7 यहाँ लिख देंगे और हासिलाई का 1 दिमाग में ही रखेंगे, 5 एकम 5 और हासिलाई का 1 कितना हो गया 6, कितना आ गया 675। हम उत्तर में क्या लिख देंगे बता देंगे, अतः उसके पास कुल 675 आम हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक चादर की कीमत 148 रुपये है तो ऐसी 6 चादरों की कीमत कितने रुपये होंगी। जब हमें एक चादर की कीमत मालूम है तो हम कितनी भी चादर हों उनकी कीमत निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 चादर का है तो इसलिए हम 6 की निकालेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, चूँकि एक चादर की कीमत 148 रुपये है इसलिए कितने चादरों की कीमत, इसलिए 6 चादरों की कीमत बराबर क्या होगा तो 148 में 6 का गुणा हो जाएगा। अब गुणा करते हैं, अब 6 का गुणा 8 से करेंगे पहले इकाई के अंक से, तो 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 6 8, 48 की 8, हासिल की 4, फिर 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़िए 4 बार, 6 चौके 24 और 4 हासिल का जो था उसको जोड़ दी कितना हुआ 24 में 4 जोड़े 28 की 8, हासिल की 2, 6 कम 6 और हासिलाई का 2 कितना हो गया 8।
तो 888 रुपये। तो हम बता देंगे, क्या बताएंगे, छह चादरों की कीमत 888 रुपये होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर चार यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उस प्रश्न नंबर चार के साथ आपकी आओ करने और सीखे 45 नंबर की समाप्त हुई। इसके बाद आपको नेक्स्ट आओ करें सीखे 46 बताएंगे। यदि आपको आओ करें सीखे 45 अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।